दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच 4 लेन पथ पर सिमरी थाना क्षेत्र के कुंवरपट्टी के निकट 28 नवंबर को हुए बाइक लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र निवासी 4 अपराधियों को पुलिस व टेक्निकल सेल के सहयोग से गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को लहेरिया सराय थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर SDOP अमित कुमार ने बताया कि बीते 28 नवंबर को पतौर थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार मिश्रा अपने भांजे के साथ सिंहवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा गांव में अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच NH पर उजले रंग की एक i20 कार सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर पिस्तौल का भय दिखाकर बाइक 10,000 रुपए ATM लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद सिमरी थाना में क्षेत्र एक प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी थाना दर्ज के बाद टीम को गठित की गई। गठित टीम ने अपराधियों को पुनः लूट की घटना को अंजाम देने के लिए सिमरी लाइन होटल के निकट से घटना में प्रयुक्त उजले रंग की कार समेत मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र निवासी सुधांशु कुमार, विजय कुमार, महेश सहनी, रविनंदन कुमार को अमेरिकन मैगजीन रिवॉल्वर लूट के 11,000 रुपए व कई मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मौके पर सदर SDOP ने बताया कि टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को इनाम दिया जाएगा। दरभंगा से ग्लोबल इंडिया TV ब्यूरो चीफ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को जो बाइक से जा रहे थे इन्होंने एक i20 व्हाइट सफेद कलर की i20 कार है उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये ATM मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित लूट की घटना को अंजाम दिया जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया सिमरी थाने में जिसकी कांड संख्या है 232/22 जिसके लिए PC ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सिमरी SHO और इनकी थाने की टीम और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH57 पर ही कालका हवेली भाई फिलहाल होटल है उसके आसपास इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ चाकू के साथ विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लुटी हुई 10 मोबाइल्स के साथ और एक 3 लाइव बुलेट्स के साथ बहुत सारी चाबियों के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा इन लोगों का? ये अभी जाँच की जा रही है इस पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है। विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं। अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे। आना जाना हो रहा था। कई सारी घटनाओं को उन्होंने जाना चारों या गैंग काम कर रहे थे वहाँ के रहने वाले हैं इनमें से साहेबगंज के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर के। ये घटना कब की है? कितने दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है सर? घटना 28 नवंबर की है। गिरफ्तारी 1 दिसंबर की है। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है? बताया गया ना बरामदगी में एक पिस्टल है, 3 लाइफ 3 जिंदा कारतूस है, एक चाकू है, 10 मोबाइल्स हैं, लगभग 7-8 चाबियाँ हैं इन गाड़ियों की और इनके द्वारा बताया भी गया है कि बहुत सारे मोबाइल से जिनकी तस्वीरें उन्होंने मुहैया कराई गई जो विभिन्न थानों से केस दर्ज है उन मामलों में मोबाइल लूटी। सर कई चाबियाँ हैं तो क्या गाड़ियाँ भी कई तरह बरामद हुई है? नहीं गाड़ियाँ बरामद नहीं हुई है उसकी जाँच जारी। जिस कार से ये लोग लूट किए हैं वो कार बरामद हुई क्या? जी हाँ कार भी बरामद हुई है। कार में ही जा रहे थे। कार में क्या कार इन्हीं की है या किसी और की है? वो भी चोरी की है। इस पर जाँच चल रही है। कार में सिर्फ सामने नंबर प्लेट है वाइट i20 है और पीछे की तरफ से नंबर प्लेट दी गई। कहाँ से जुड़ा हुआ है? देखिए फिलहाल तो इतना लग ही रहा है कि इनका अंतर जिला गिरोह है। देखिए पूछताछ की गई। इसका कोई सरदार भी है, कोई सरगना भी है, कोई नाम बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बाकी सिमरी थाना के जैसे तो समझाती है वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या इन लोगों की कार्रवाई की? मोबाइल से सारे डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। सर इस चंडी से सोहन से एक जो रूट है इस रूट में लगातार चोरियाँ हो रही है। इस को भी गौर से देखा जाए तो और कई बार इस तरह से किसी भी गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। क्या इस रूट पर लगातार कोई गश्ती नहीं हो रही? क्या नहीं गश्ती हो रही? देखिए गश्ती का नतीजा है कि मात्र लूट के 2 दिनों के बाद इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। गश्ती हो रही है और उस पर ज़्यादा सघन किया जाएगा। ठंडी के दिनों में और भी ज़्यादा किया जाएगा। सर एक बात ये भी है कि संगीन जो हत्या के केसेस हैं रत्नोपट्टी मामला हुआ